रोना बंद कर। इतनी मेहनत कोई करे और ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। अभी टूट चुके हैं अंदर से, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। हमको कोई उम्मीद भी नहीं थी हमने किसी के साथ, ना ही गलत करा कभी। मेरे पास जो सबसे बड़ी सपोर्ट है ना, वो मेरी माँ और सोना और मेरे सबसे बड़े भैया। अगर ये लोग साथ में है ना, मेरे पापा सब, तो मुझे किसी की टेंशन नहीं है। पक्का मैं फिर से आऊँगा उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ। उस बंदे से हम ईमेल पे बात हुई तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही उसने पैसे की। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा कि ब्लॉग में क्या हुआ है। इस ब्लॉग में हम क्या बताने वाले हैं, क्या क्या हुआ हमारे साथ, पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, और हमारा सब लोगों का चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंस्टा पे मैंने ऐसी स्टोरी क्यों डाली, ऐसा क्या हो गया हम लोग के साथ। सो अभी मैं फ़ोन सही से रख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ तो सो गाइस, अभी कोई वेट तो नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत की। मैंने जब मैं शुरू शुरू में वीडियोस बनाता था, तो उस टाइम मेरे साथ ना सोना थी, ना शिवम, ना मेरा जो वीडियो शूट करता है तुषार, हम लोग कोई साथ में नहीं थे उस टाइम। कि उस टाइम अकेले मेहनत करता था, तो रात में 2-2 3-3 घंटे अकेले जाग जाग के पूरी रात वीडियो बनाता था। और आज मेरे को 2 साल से ज़्यादा हो गया समथिंग वीडियो बनाते हुए। तो मेरे जैसे तैसे मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के सपोर्ट से, मेरे हुए थे 432 के कंप्लीट हो गए थे, 4,32,000 फॉलोअर्स, इंस्टा फैमिली कंप्लीट हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद का ऐसा हुआ हम लोग के साथ कि अभी तो मन ऐसा कर रहा है कि वीडियो बनाना बंद ही कर दो, वीडियो ना बनाओ। लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो वीडियोस फिर से आएंगी। लेकिन गाइज, अभी हमारा लास्ट होप आप हो। अगर हमें दिल से सपोर्ट करते हो गाइज, तो हम लोग तुम्हारे वीडियोस लेके आएंगे। और अभी दिख रहा होगा सोना की हालत कैसी है, इसकी आंखों में अभी भी आंसू हैं। तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारी लास्ट होप जो हमारी आशा है वो आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप, जो हमारी इंस्टा फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली है। आपसे ही हमारी बस उम्मीद है, आप ही हमारी लास्ट उम्मीद हो गाइस, तो आपसे ही हम सपोर्ट की बस अगर आप मांग। लोग हमें सपोर्ट कर दो गाइज, तो हम लोग दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे उसी जज्बे और उसी हौसले के साथ। गाइज हौसला तो आईडी जरूर कोई हैक कर सकता है, कुछ कर सकता है। तो मैं भी बताता हूँ हमारे साथ कल क्या हुआ था। हमारे साथ जब मैं अयोध्या से घूम के आया था अपने घर पे, तो मैं रात को सो के उठा, मैंने एक ईमेल चेक किया जिसमें ब्लू टिक के बैच के लिए आया था अप्लाई करने के लिए। सो मेरे को, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। मेरे को जैसे कम्युनिटी गाइड से मैं बात करता हूँ इंस्टा के, सेम वैसी ही ईमेल थी। ईमेल पे मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया अंदर से। सो मैंने उस पर क्लिक किया, तो उस पर लिंक पे जाने के बाद मेरा ओटीपी वगैरह आया। मेरे को लगा कि ये शायद ही इंस्टा के उसमें हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ वो फेक था। सो गाइस, जैसे मैंने उसको अप्लाई करा, तो मेरा पूरी ईमेल एंड इंस्टा पूरा ही हैक हो गया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था उसके बाद। 2 से 4 मिनट में उसने हमारी 2 साल की मेहनत, 2 से 4 मिनट में हमारा पूरा अकाउंट हैक कर लिया। एंड हमारे 4,32,000 आप लोग जो इंस्टा फैमिली थी, वो सब कुछ ख़त्म हो गया गाइस। और बहुत कोशिश की, सो मैंने, भैया ने, सब लोगों ने मिलके बहुत कोशिश की थी। सो गाइज, ये था वो ईमेल हमारे पास आया था, ये ईमेल था। सो ये पूरा फेक था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। सो कोई भी बता नहीं सकता कि ये फेक है, लेकिन ये पूरा ही फेक है। इस ईमेल की वजह से हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया गाइज। 2 साल की मेहनत हमारी सब मिट्टी में मिल गई। बट आप लोग हमारी होप हो कि आप हमें फिर से वैसा ही बना सकते हो जैसा हमने 2 साल में मेहनत की थी। क्योंकि अभी तो टेंशन है बाकी जो कुछ है, लेकिन हमने सबसे मदद मांगी लेकिन किसी ने भी हमारा हमने रिप्लाई तक इंस्टा नहीं को, दिया। हमने यूट्यूबर्स को और इंस्टा में जो अभी अच्छे खास फॉलोअर्स हैं उनके, उनको सबको मैसेज किया, लेकिन किसी ने भी हमें रिप्लाई नहीं दिया। एक ने हमारा मैसेज भी सीन करा, फिर उन्होंने बोला आईडी नेम बताओ, लेकिन उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं कोई दिया। रिप्लाई नहीं दिया भाई। तो एक बात तो हमें सीख मिल गई कि कोई किसी का नहीं होता है कि हेल्प नहीं करता। बट हम आपसे अभी भी, आप हमारी लास्ट उम्मीद हो। सो आपसे इतनी ज़्यादा आशा है कि आप, हाँ कि आप जब तक हमारे साथ हो, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता है। आईडी जरूर छीन सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर हौसला है एंड हमारे अंदर जो उम्मीदें हैं ना, उसको नहीं गिरा सकता। हमारे जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे, क्योंकि आप सब हमारे साथ हो गाइस।
अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो फिर से हम लोग आएंगे और फिर से वही हौसले के साथ फिर से वीडियोस बनाएंगे। सो अभी रोना बंद कर, कोई रोएगा नहीं क्योंकि कुछ नहीं हो सकते गाइस, इतनी मेहनत कोई करे और ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। अभी टूट चुके हैं अंदर से, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, हमको कोई उम्मीद भी नहीं थी हमने किसी के साथ, ना ही गलत करा कभी, हमारे जितने बस में हुआ हमने करा, सबको लगा कि इसको एटीट्यूड है बस, नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं था, तो सबको लगा गाइस, पर ऐसा कुछ नहीं था। रोना नहीं, रोना नहीं, जब तक ये लोग साथ में है कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, रोना मत ही। हाँ, इंस्टा फैमिली अपने साथ है, यूट्यूब फैमिली अपने साथ है, तो कुछ नहीं होगा। सो रोना बंद करो अभी, कब ले रोमाल लेके। सो देख ही सकते हो आप कैसा लगता है जब 2 साल की मेहनत 2 मिनट में कोई ले जाए उड़ा के। उस बंदे से हम ईमेल पे बात हुई तो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना ही उसने पैसे की डिमांड रखी, कि पता नहीं उसने हमारा अकाउंट क्यों हैक किया। और उसकी जो लोकेशन आ रही है वो अमेरिका की है आ रही है, बट हमको नहीं लगता कि अमेरिका से हमारा कोई लेना देना है, कि अमेरिका से हमारा अकाउंट क्यों हैक करेगा कोई। सो तब से ऐसा ही है, ना हमने वीडियो शूट की है ना ही कुछ, तब से मम्मी भी टेंशन में है, पापा भी और भैया सब लोग, किसी ने खाना तो खाया ही नहीं, घर पे भी खाना नहीं खाया किसी ने कल से, कल सुबह से हमारे साथ ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब, घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं इनकी आईडी हैक हो गई है, हैक हो गई है, अफवाह उड़ा रहे हैं हमारे ऊपर, मजाक बना रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरे को कॉल करके किसी ने चैलेंज किया था कि मैं तेरी आईडी हैक करूंगा, तो मैंने ऐसे बोला कि हाँ करके देखा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये तो सब कुछ फेक है, मेरे पास किसी ने कभी कॉल की ही नहीं, मेरे पास किसी ने कॉल नहीं की थी। सो और मैं बाहर जहाँ भी जा रहा हूँ तो सब ये कह रहे हैं कि कॉल करके उसको ये बोला था कि तेरी आईडी हैक करूंगा, कि तुझ तू कुछ कर सकता है तो करके देख ले, बट मेरे पास कभी कॉल नहीं आया भाई। अगर ऐसा कुछ कॉल आता तो मेरे पास इंस्टा की जो कम्युनिटी गाइड है मैं उनको कॉल करता, ऐसा कुछ भी किसी के बस की नहीं थी कि वो करता, लेकिन मेरे पास किसी ने चैलेंज भी नहीं किया था। सो अभी अफवाह उड़ने लगी है बहुत ज़्यादा, अगर हम खुद ही करते ये करते जो ये बोल रहे हैं तो हम अप्लाई क्यों करते, अगर हमें पता होता कि हाँ उन्होंने हमें चैलेंज किया है हमारी आईडी पेन करते, क्यों हमको चैलेंज करता तो हमको पहले से एक्शन लेना था, एक्शन लेते अगर हमको कोई कॉल करता, बट हमको किसी ने कॉल नहीं किया था, कॉल करके कोई हैक क्यों ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो कर नहीं पाएगा कॉल करके हैक। सो सब में फेक अभी न्यूज़ उड़ने लगी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, लेकिन बाहर से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें जो रियलिटी है मैं अपने ब्लॉग में बता रहा हूँ, कसम से गाइस अपनी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह उड़ने लगी है अभी बाहर, बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही हैं, तो अभी क्या कर सकते हैं, जो बोलेगा उसको तो रोक नहीं सकते, बट रियलिटी बता सकते हैं, मैं इस ब्लॉग में रियलिटी बता रहा हूँ जो हमारे साथ हुआ पूरा स्कैम। सबसे हेल्प मांगी, किसी ने भी अभी हेल्प नहीं की, कुछ फ्रेंड्स थे मुंबई में, मेरे फ्रेंड हैं रोहन, मिस्टर रोहन, उनको ही बोला, बट उनने कोशिश की है, अभी कॉल करेंगे, वो भी पता नहीं है कि अकाउंट आएगा या नहीं, ज़्यादातर 100% में से हमारे पास 1% चांस है कि हमारा अकाउंट वापस आ जाए, वरना कोई चांस ही नहीं है, किसी ने भी हेल्प नहीं करी हमको इतना पता है, यूट्यूब से तो किसी ने भी नहीं, हमने मनोज डे भाई को भी मैसेज किया था, उनको मेंशन भी किया, बट उनने कोई भी ना ही हमारा मैसेज देखा, ना ही हमको रिप्लाई किया, ना ही हमारी स्टोरी सीन की, हमने सबने लगाई थी अपने अपने इंस्टा अकाउंट से कि किसी का तो शायद देखेंगे, लेकिन उन्होंने किसी का भी कुछ नहीं देखा, स्टोरी भी सीन नहीं देखी, सो ना मैसेज देखा, पता नहीं कुछ क्या होगा। आप 2021 में इन्होंने फोन लिया था, तब से उस टाइम से ये वीडियो बना रहे थे, तब हम कोई भी नहीं थे इनके साथ, ये अकेले बनाते थे, रात के 3 बजे जग जग के बनाते थे, इनकी मम्मी बता रही थी, तो अब ऐसा होगा तो कैसा लगेगा आप ही बताओ। सो मैं अभी मम्मी को बुला, मम्मी क्या कहती है देखते हैं, मैं भी बुला मम्मी का भी, सब कुछ टेंशन में थी मम्मी, उन्होंने भी खाना वाना नहीं खाया, उनको लगा कि अमित ने खाना नहीं खाया, तो उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं, पता नहीं आईडी में लेके उन्होंने क्या कर लिया, आईडी लेके भाई कुछ नहीं कर सकता ऐसे, हमारी 2 साल की मेहनत उन्होंने 2 मिनट में उड़ा दी, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आईडी ले सकता है, बट मैं यही बोलूंगा हर बार, आईडी ले सकता है, बस जो हमारे अंदर हौसला है ना वीडियो बनाने का, और जो हमारे सपने हैं उनको हमसे नहीं छीन सकता, हमको पूरी उम्मीद है कि हम फिर से आएंगे आप लोग के सपोर्ट के साथ, और देखते हैं अभी क्या होता है, आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं है, अगर आप लोगों का प्यार अच्छा रहा, सबको सपोर्ट रहा,
तो उसी उम्मीद के साथ और उसी आशा के साथ मैं फिर से खड़ा हूँ और फिर से अपनी आईडी लेके आऊँगा। और सच कह रहा हूँ, जिसने भी हैकर आया ना अकाउंट, वो गाइस दिल से तो बुरा ही निकल रहा है, बट कुछ नहीं बोलूँगा मैं, भगवान उसको अच्छे से रखे, कुछ नहीं, ना ही मैं उसको मरने को बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, A to Z अच्छे से रहे, वो मेरी आईडी से आईडी लेकर खुश रह सकता है तो उतना ही खुश रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो क्या बोलूँ मैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो गाइस, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, वो आईडी लेके खुश है, खुश रहने दो उसे, खुशी उसे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो मम्मी का भी हाल बेहाल हो गया था अभी, इधर इसमें पहनना लग गया, तो अभी मम्मी भी कल से टेंशन में थी। क्या लग रहा है, मेरी जब आईडी चली गई आपको पता चला, आपके लड़के की 2 साल की मेहनत 2 मिनट में उड़ गई, सही नहीं लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोग सपोर्ट करेंगे फिर से हो जाएगी आपकी आईडी। हाँ बिल्कुल, इंस्टा वाले, इंस्टा एंड यूट्यूबर हमारे साथ में, हमारी खुद की फैमिली जो है वो हमारे साथ में है, तो हमको किस बात की टेंशन। मेरे पास जो सबसे बड़ी सपोर्ट है ना, वो मेरी माँ और सोना और मेरे सबसे बड़े भैया, अगर ये लोग साथ में है ना, मेरे पापा सब, तो मुझे किसी की टेंशन नहीं है। पक्का मैं फिर से आऊँगा उसी उम्मीद और उसी आशा के साथ, आईडी लेने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला गाइस, अभी देख रहे हो ना, वो खुश रहा है, मेरे बेटा फिर से कर लेगा, आप सबकी सपोर्ट में। बिल्कुल, मम्मी का सपोर्ट है, सोना का सपोर्ट है, मेरी टीम का सपोर्ट है, मेरी फैमिली का जब तक सपोर्ट है ना, मेरे भाई का सपोर्ट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना डायरेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ना मेरी जान है, सच बता रहा हूँ, मेरी लास्ट, और मैं कभी भी अपने फैमिली के सामने ये नहीं दिखाता हूँ कि मेरी आप सबसे बड़ी सपोर्ट हो, कभी भी कुछ नहीं दिखाता, ना ही मैं रोता हूँ। तो इतना ही बोलना चाहूँगा गाइज, मेरी फैमिली है ना मेरे साथ जब तक, सो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, आईडी जरूर ले सकता है, बट मेरी उम्मीद नहीं तोड़ सकता, इतना बोलूँगा मैं बस। बच्चों की मेहनत है, मेहनत करेंगे फिर आ जाएंगे इसी मुकाम पे आ जाएंगे। हाँ फिर से उसी मुकाम पे खड़े होंगे, फिर से वैसे ही आएंगे, फिर से आ जाएंगे। सो अभी क्या ही बोलूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है गाइज, आप सब कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग हमारे सपोर्ट में हो या नहीं हो गाइज, बट हमारी जो लास्ट उम्मीद हो ना वो आप ही सब हो, अगर आप सब हमारे साथ हो तो फिर से हम आएंगे और जरूर आएंगे। सो अभी क्या ही बोलूँ मैं, आप देख ही रहे होगे सब, ये कोई आंसू फेंक तो कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब लगती है ना मम्मी के लिए, क्या बोलूँ, मम्मी ने खुद देखा मुझे, मैंने किस टाइप से मेहनत की है सब कुछ, तो उनको अच्छे से पता है, मुझसे अच्छे से फील कर पाती हैं, सबकी माँ समझती है कि उसके बच्चे ने कितनी मेहनत की है, अगर उसका सपना ही एकदम टूट जाए तो फिर हर, मैं ही नहीं हर किसी की माँ, सब रोती हैं भाई, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो हमारे घर की, हमारी फैमिली एंड हमारी माँ होती हैं। सो आएंगे गाइस, फिर से आएंगे, अभी तो जो कुछ है है, बट कुछ नहीं, छोड़ो हटाओ, अब चलो, अब आप ही फैमिली है हमारी, हमारे बच्चों की सपोर्ट करना, और हमारे सपोर्ट में आप सब फैमिली है हमारी, सब सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे फिर मेहनत करेंगे, आपके सामने फिर आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे, फिर से आएंगे। सो आप कमेंट में जरूर बताना एंड हमें हौसला जरूर देना गाइस, कि सब कुछ खत्म हो गया भाई, लाइक मिनट आप सबको आईडी दिखाता हूँ, आप हो सके तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट भी करना, आईडी निकाल, एक मिनट आईडी दिखाना मेरे फोन में, कौन सी मेरी आईडी, आप सबको आईडी दिखाता हूँ पूरी, सब कुछ उसने चेंज कर दिया, पहले हैक करी थी उसने आईडी, तभी उसके बाद उसने सब कुछ खत्म कर दिया। सो ये रही मेरी खुद की आईडी, इस पे आया मेरे डीपी तक चेंज कर दिया, डीपी उसने सब कुछ चेंज कर दी, डीपी एंड मेरा यूजर नेम उसने सब कुछ कर दिया। ये देखो गाइस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना बीच में से, एक मिनट दिख नहीं रहा सही से, इसको फोकस करता हूँ, फोकस तो करना पड़ेगा ना यार, देखो गाइस ये आईडी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना, ऐसे नहीं दिखेगा क्योंकि अभी दूसरी साइड से है ना, तो मैं फोटो एक सेकंड के लिए फोटो इसमें डाल दूंगा आईडी में। सो आप सब प्लीज गाइस, आप सब हमारी लास्ट होप हो, और देख ही सकते हो अभी हाल क्या हो रखा है पूरी फैमिली का, बाहर तो अभी किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाहर बोल रहा है भाई, भाई को एटीट्यूड बहुत था, वगैरह वगैरह भाई सब बातें उड़ रही हैं कि बहुत स्टार बना फिरता था, वगैरह वगैरह सब कुछ पता है भाई कौन क्या कह रहा है, बट हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे किसी से, क्योंकि हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब ही नहीं है हमें किसी से। सो मजाक तो बनाने वाले बनाएंगे, बनाने दो, अपने ऊपर हौसला रखो, हमें अपने ऊपर पूरा हौसला है, मेरी फैमिली मेरे साथ है ना, मेरी टीम मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और फिर से आएंगे गाइस। सो
मैंने अभी पूरी डिटेल से बता रखा है इसमें क्या हुआ, और स्क्रीनशॉट भी डालूंगा मेरी आईडी का, दोनों आईडी का स्क्रीनशॉट डालूंगा। मेरे पास अभी का नहीं था 432 के का स्क्रीनशॉट नहीं था पहले का, बट अभी जो 432 के का है वो जरूर लगाऊंगा। उसने हैक करने के बाद हमको कैसा क्या आईडी पे सब कुछ ही चेंज कर दिया, ईमेल नंबर सब कुछ हटा दिया उसने, पूरा सब कुछ मतलब खत्म ही कर दिया हमारी आईडी से। हमारा उस आईडी से अभी हैंडल कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही हैंडल कर रहा है वहां से बैठे बैठे। एंड मैं हाँ ये तो बताना भूल गया, उसने हमारी जब ईमेल हैक की थी तो एक मिनट के लिए शायद हमारी ईमेल भी हमसे हमारे हाथ से जाने वाली थी, तो हमारे एक रितेश भैया ने हमारी हेल्प की, सो उनकी वजह से हमारी आईडी वो आईडी बच पाई, वरना हमारे हमारे हाथ से यूट्यूब भी छिन जाता, यूट्यूब एंड इंस्टा दोनों ही हैक हो जाता गाइज। अगर एक मिनट मैं उस पर मतलब नहीं देखता तो सब कुछ खत्म हो जाता, और हमारे साथ शायद यूट्यूब भी नहीं होता, यूट्यूब तक वो कर देता भाई। उसने पूरे फ़ोन की ऐसी तैसी कर दी थी, बार बार ओटीपी बार बार ओटीपी, एंड वो उसको सारे के सारे पता चल रहे थे, पता नहीं फ़ोन हैक करा था उसने क्या करा, बट हुआ गाइज हमारे साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो गया, बहुत बड़ा हो गया। मुश्किल से 15 मिनट में उसने सब कुछ गायब कर दिया था, इंस्टा एक मिनट के लिए, हमारी ईमेल आईडी भी उसके हैंडल में गई थी। अगर हमारे पास हमारे रितेश भैया नहीं होते, उनसे हम हेल्प नहीं लेते, सो हमारे पास कुछ नहीं हो पाता। तो अब इतना जरूर बोलूंगा, मेरे किसी ने यूट्यूबर ने किसी ने हेल्प नहीं की, एंड जिसने मैसेज सीन भी किया था ना गाइज, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि वो भी वीडियोस बनाने वाला है, कंटेंट लेके आता है, अपने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता है। सो गाइज किसी ने हेल्प नहीं की हमारी, मैंने मिस्टर रोहन भैया से बोला था मुंबई, उन्होंने हमारी थोड़ी बहुत जरूर हेल्प की थी गाइज, और वो अभी भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। उनसे शायद ही हमारी आईडी वापस आए, देखते हैं वो भैया क्या करते हैं अभी, हमको बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी हमको बड़े यूट्यूबर ने मनोज भैया ने किसी ने हेल्प नहीं की, तो अभी देखते हैं। हमारी स्टोरी है अभी मनोज भैया ऑनलाइन थे, समथिंग 10 मिनट ऑनलाइन थे, उन्होंने कुछ सीन नहीं करा हमारा, कुछ प्रॉपरली ऑनलाइन मैसेज भी भेजा, उन्होंने कुछ भी सीन नहीं किया गाइस। तो हमारी लास्ट होप और आशा आप ही हो सब कुछ हो। सो गाइस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग हेल्प जरूर करना, और हमको पहले ऐसे प्यार करना गाइज, 432 के गाइज वैसे ही हमारे फिर से सपोर्ट करना, जल्दी से जल्दी सब कुछ करवा देना। अभी आप लोग के सामने देखो मम्मी भी हाथ जोड़ खड़ी है, तो सपोर्ट करना, ज्यादा से सपोर्ट करना गाइज, प्लीज गाइज सपोर्ट जरूर करना सब लोग। तो अभी क्या ही कह सकते हैं गाइज, आप सब कमेंट करो, हमारा हौसला बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए गाइज, आप सब सपोर्ट जरूर करना, आप लोग हमारे साथ तो कोई कुछ नहीं। तो अभी मैं इतना ही बोलूँगा गाइज, सब लोग मेरे फैमिली भी हैं, यही कहना चाहेगी कि आप लोग हमारे साथ हो, सब मिलकर फैमिली सपोर्ट करो हमारी, आप हमारे बच्चों की सपोर्ट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। तो थैंक यू सो मच ऑल, मैंने अपनी जितनी डिटेल थी आपको सारी कुछ बताई, इसमें कुछ भी फेक नहीं था, कसम से गाइज सब कुछ रियल बोला। एंड जो भी बाहर अफवाह उड़ रही है अभी सबकी सब फेक है गाइज, मेरा पूरा फोन तक मेरे को लगा था हैक हो चुका है एक मिनट के लिए। कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं उस बात को, कोई हमें टेंशन नहीं हो रही सुनने की, लेकिन अब हम अपने बच्चों के ऊपर हौसला रख रहे हैं। हाँ, हम लोग को आपके ऊपर भरोसा है गाइज पूरा। तो गाइज थैंक यू सो मच, एंड देखते हैं अब आप लोग कितनी सपोर्ट कर सकते हो गाइज, एंड सोशल मीडिया की पावर दिखाओ गाइज, अपनी पावर दिखाओ कि आप लोग हमारे लिए कितना प्यार करते हो, हमारी आईडी को एंड हमारी वीडियोस कितना देखना पसंद करते हो गाइज, उतना सब कुछ ही गाइज अपनी पावर दिखाओ, जितनी इस ब्लॉग को शेयर हो सके गाइज शेयर जरूर करना। आपसे कुछ विनती नहीं है, सिर्फ एक विनती है कि हमारे ब्लॉग को और हमारी वीडियोज को सबसे ज्यादा शेयर करे गाइज, आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है गाइज, दिल से आप लोग को सपोर्ट करें, हमारे ब्लॉग को शेयर करे गाइज, जितना हो सके उतना ब्लॉग शेयर करें, सबकी दिल से यही बनती है, सबकी साइड से मैं ही बोल रहा हूँ गाइज अभी, क्योंकि किसी का बर्ड नहीं है गाइज, क्योंकि अगर बोला तो सब रोने लगेंगे 2 मिनट में ही, क्योंकि किसी से फील नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैं ही बोल रहा हूँ सब किसी सब जो है अभी सब मैं ही बोल रहा हूँ गाइज, शेयर जरूर करना प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे विनती है गाइज, थैंक यू सो मच ऑल, एंड अगर कुछ होता है तो मैं आपकी नेक्स्ट ब्लॉग लेके आऊँगा, एंड लव यू ऑल, टाटा बाय।